रियासत कर्नाटक में आने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तैयारियां शुरू। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर्नाटक में 30 से जायद असेंबली हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बेंगलुरु में IUML के रियासती सदर एन जावीदुल्ला का बयान। जहां पर हमारे माइनॉरिटीज के वोट 17% जो अबव आउट वोट्स हैं, वहां पे हम लोग कैंडिडेट्स डालेंगे। हमारे कैंडिडेट खड़ेंगे जहां पे माइनॉरिटी वोट 17% अबव हो, और ऑलरेडी उसके बारे में वे कोशिश चल रही है और वार्ड वाइज कमेटियां फॉर्म हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग कॉन्टेस्ट करेंगे। और कर्नाटक के अंदर भी MLA 37 कॉन्स्टिट्यूंसीज हम लोग फाइंड आउट किए हैं ऑलरेडी। कर्नाटक के अंदर 37 MLA के लिए हम लोग नॉमिनेशन फिल करेंगे इंशाल्लाह। और वो कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट भी फाइनल हो चुके हैं, और हम लोग जो है पूरे स्टेट के अंदर मेंबरशिप ड्राइव भी चल रहा था, उसके बिना पर हम लोग इंशाल्लाह कैंडिडेट फिल करेंगे। और पर्टिकुलरली बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के वुमेन्स लीग जो है अभी स्ट्रांग हो रही है वार्ड वाइज, वहां पर जो है हम लोग कैंडिडेट डालेंगे जहां पर भी रिजर्वेशन हो। अब तक 4 जनवरी 2023 बरोज चहारशंबा बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स लीग का इजलास मुनाकद हुआ। बेंगलुरु के मुख्तलिफ वार्ड से ताल्लुक रखने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की शोबे खवातीन के नुमाइंदों ने इस इजलास में शिरकत की। IUML के रियासती सदर एन जावीदुल्ला ने कहा कि एक वक्त था बेंगलुरु महानगर पालिका के लिए 19 कारपोरेटर मुस्लिम लीग से मुंतखब हुए थे। चंद वजूहात की वजह से पार्टी का ढांचा कमजोर हुआ, लेकिन दोबारा IUML पूरी ताकत के साथ असेंबली और BBMP इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स लीग की सदर परवीन शेख ने कहा कि बड़ी तादाद में लोग, खास तौर पर खवातीन, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि IUML वाहिद ऐसी पार्टी है जो अक्लियतों, मुसलमानों के इश्यूज पर खुलकर आवाज उठाती है और मिल्ली समाजी मसाइल के हल के लिए कोशिशें करती हुई आ रही है। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स लीग की मीटिंग है। इस मीटिंग का मकसद हमारा जो है आने वाले इंतखाबात, जो MLA के हो या कॉरपोरेशन के हो, जहां पर भी रिजर्वेशंस वुमेन्स के लिए किया गया है, वहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी नॉमिनेशन फाइल करेगी और हमारे बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स लीग की तरफ से कैंडिडेट्स को भी फिल किया जाएगा। हम लोग MLA में भी कॉन्टेस्ट करेंगे और BBMP के इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट करेंगे। जहां पर भी जो है वुमेन्स लीग के रिजर्वेशन है, वहां पर हमारे कैंडिडेट्स हम लोग नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और यहां पर जो है हम लोग ऑलरेडी वुमेन्स लीग का सिलसिला 6 महीने से चल रहा है और वार्ड वाइज कमेटियाँ कायम हो चुके हैं, और बेंगलुरु साउथ, बेंगलुरु नॉर्थ दो भी मिलाकर ऑलरेडी हमारे कमेटियाँ वुमेन्स लीग के फॉर्म हो चुके हैं वार्ड वाइज। इंशाल्लाह और भी मजबूत करेंगे कमेटियों को, और भी जहां पर भी वार्ड वाइज हैं, और भी जो है जितने भी MLA कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज भी हम लोग कमेटियाँ कायम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और सिर्फ बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है, ये बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है। जब पॉलिटिकल पार्टी है बोले तो जीतने के मकसद से खड़ते ना इलेक्शन में, तो क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है इट इज ए सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ अवर कंट्री, सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी है। और हम जो है SC ST को भी टिकट देने वाले हैं। पर्टिकुलरली बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के वुमेन्स लीग जो है अभी स्ट्रांग हो रही है वार्ड वाइज, वहां पर जो है हम लोग कैंडिडेट डालेंगे जहां पर भी रिजर्वेशन हो। अब तक देखते हैं कि कर्नाटक में सिर्फ 3 पार्टियों को कामयाबी मिली है, कांग्रेस, BJP, JDS, चौथी पार्टी कोई अपना मकाम नहीं बना पाई। तो ऐसे इन हालात में आपकी पार्टी कैसे, क्या उम्मीद रखते हैं आप?
अगर आप 1977 या 79 में देखेंगे तो हमारे 19 कॉर्पोरेटर्स थे बेंगलुरु के अंदर, 19 कॉर्पोरेटर्स इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। ये नहीं है कि कॉर्पोरेटर्स नहीं है। और कमरुल इस्लाम जो है एमएलए भी चुन के आए थे हमारी ही पार्टी से, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एमएलए। और 17 कॉर्पोरेटर्स बीबीएमपी में थे 1979 में। तो इंशाल्लाह किसी बिना पर जो है हमारे जो कायदीन जो है इस दुनिया से जाने की बिना पर पार्टी में थोड़ा कमज़ोरी आई, इंशाल्लाह अभी फिर पार्टी जो है इवन तमिलनाडु के अंदर भी हमारे एमपी जीत गए, वहाँ पर भी हमारे कॉर्पोरेटर्स जीत गए। तमिलनाडु में भी वही कहते थे कि आपकी उधर कोई आपका कॉर्पोरेटरी नहीं है, तो अभी हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं तमिलनाडु के अंदर। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे और वो जो दौर था उसको हम लोग दोहराएंगे इंशाल्लाह। और ज़रूर से ज़रूर इस बार भी हम लोग कम से कम 15 सीट कॉर्पोरेशन के जीतेंगे। क्या है सर, किस बुनियाद पर जो है आप लोगों का भरोसा हासिल करना चाह रहे हैं? देखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो कारनामा है इस देश के लिए, जो हमारी पार्टी ने कुर्बानियाँ दिए हैं आज़ादी के मौके पर हो और माइनॉरिटीज़ की तहफ़ के लिए जो भी काम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की है, और कोई पार्टी मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए काम नहीं की गई है। इवन आप कांग्रेस लीजिए, जेडीएस लीजिए, सेक्युलर पार्टियां बोलने वाले लोग भी मुसलमानों के जो भी मसाइल असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर जब मसाइल आते हैं तो कोई भी मुसलमानों के फेवर में बात नहीं करते। सिर्फ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ही जो है हमारी तहफ़ के लिए हमारे मसाइल को हल करने के लिए गवर्नमेंट से बात करती है, और हम लोग जो है हर गवर्नमेंट के अंदर हिस्सेदारी बनने की कोशिश करते हैं। वालेकुम। आज की मीटिंग का एजेंडा जो है मेंबरशिप ड्राइव जो हम लोग बनाए थे एरिया वाइज, तो उन सबको यहाँ पे बुलाए हुए हैं, और बुला के यहाँ पे अभी एरिया वाइज कमिटी फॉर्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उस फॉर्म में एक्शन प्लान्स इन लोगों को क्या करना है, आइंदा हमारा जो इलेक्शन के बुनियाद जो शुरुआत हो के है उसमें इन लोगों के क्या क्या कारनामे इनको अंजाम देना है, ये बारे में आज ये मीटिंग बुलाई गई है। कहां कहां से लोग आए हैं यहां पे? जी, हल्के के लिए मीटिंग हो रही है। जी, ये आके डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी हैं, जो मेंबर्स बने हुए हैं वो भी हैं, और जो थोड़े नए मेंबर्स भी यहाँ पे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारे पढ़ लिया, जो टैनी रोड का जो बेस स्टार्ट होता है ना, वहाँ से सारे पल्लिया तक जितने भी एरियाज हैं वहाँ के हर जगह से दो दो तीन तीन औरतें आई हुई हैं। उन वो लीडर्स हैं जो आई हुई हैं, वो सारे लीडर्स हैं। फिर शिवाजी नगर से आके हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से आके हैं, लक्संद्रा से आके हैं, बैसंद्रा से आके हैं, सिद्धापुरा से आके हैं, कृष्णप्पा गार्डन से आके हैं, एंड सैटेलाइट बस स्टॉप के पास का जो एरिया है वहाँ से आके हैं। और तो सियासी मैदान में जो है खवातीन, खासतौर पर मुस्लिम खवातीन के सिलसिले में ये बात कही जाती है कि वो पीछे हैं और इन्हें जो है बेदार करने की ज़रूरत है, तो आपकी पार्टी इस सिलसिले में क्या काम कर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो शुरुआत हुई है माशाल्लाह, 3 महीने से जो लगातार जो सिलसिला चल रहा है मेंबरशिप ड्राइव का, एक से एक कर औरतें जुड़ रही हैं, अपनी अपनी काबिलियत बता रही हैं। अब तक जो थे उनके अपने दायरों के अंदर रह के कुछ करने की इच्छा थी, उनकी ख्वाहिश थी, अभी वो बाहर आके इजहार कर रहे हैं और वो खुद अपने आप से हमारे साथ जुड़ के कामयाबी हासिल करने की कोशिश में है। हम लोगों को एतमाद में लेके हैं कि वो हमारे साथ जुड़कर इस इलेक्शन में काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजमा बानो, मेरा एक छोटा इदारा है एनजीओ। तो मैं शुरू से भी इंदिरा गांधी को आइडियल मानती हूँ वुमेन्स के वास्ते, तो उनके आइडियल से मैं पॉलिटिक्स में आज तक जो भी कुछ हमने देखा है, सिर्फ इलेक्शन के वास्ते इंसानों को यूज़ किया जाता है, फिर काम नहीं किया जाता है। तो हमें तो ज़्यादातर आज तक कांग्रेस को साथ दिए थे, इसके बाद में इंशाल्लाह अब IUML पार्टी आको है, तो हमें लगता है कि औरतों के वास्ते सेफ है, औरतों के वास्ते सेफ है और अच्छी भी है। अगर इंशाल्लाह हम ना यहाँ प्लेटफॉर्म मिलता है तो
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इंशाल्लाह हमारा हक जो भी है इंशाल्लाह हमें वो पाने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा IOML का जो भी है हमें आगे कर सकेंगे। नमस्कार एल्लरिगू, आक्चुअली नानु बंदू जे डी एस लेडीस विंग प्रेसिडेंट सर्वज्ञ नगर। नोड़ी इवगेनता है अरे ओटू केकू मने मने बरतर अदे नम पथिति पैस्थिती ना और मने नमी सिगल इवगा हंगसून केल्ता अरे ना ओट हाकिवल नमगेन प्रयोजन इत नम कष्ट कौरे यारू इला अल्वा अदर नानीन निर्धारमी अरे एलोस्कर और इतमकोल्ता नम मुस्लिम्स कमिटी यारू मुदे बंथित तक बरता अदर नावे सीरी वगटी IOML के सपोर्टी वह मुस्लिम्स मुखंड मुदे तर ना बेरे कष्टदली सहाय आगे अंत वे व्यक्ति ना कंटेस्ट अंत केकोता सर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर नसीमा खान है, मैं IOML में आको हूँ, वुमेंस इंडियन वुमेंस IOML में हिस्सा लेको हूँ। किस वजह से लेको हूँ तो आज भाई को बच्चे बहुत तादाद में हमें लेको आना IOML में को एक करी एक मुस्लिम विंग्स में लेको आना, या मुस्लिम को नहीं सब कौम को भी यहाँ लेको आना को हमारी ख्वाहिश है। हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, हर एक कौम की भाई को बच्ची को भारत बच्चे को लेको आना का लेको ही ये आको हमारा हक सबके वास्ते, सब एक मुसलमान को एक हिंदू को क्रिश्चियन को ईसाई को सबको भी उन उनका हक मिलना को हमें ये IOML में बढ़ चढ़ को हिस्सा ले रही, हमारे हक को हमें पाना चाह रही। मेरा नाम डॉक्टर नसीमा खान, पहले अभी मैं ज्वाइन की हूँ, सेक्रेटरी हूँ मैं अब IOML की। हाँ। मुझे अच्छा दिखा IOML का वो कौम की खिदमत करने के वास्ते, उसके वास्ते मैं ज्वाइन हो गई हूँ अभी। हाँ, जो मुसलमानों के वास्ते हिजाब के बारे में और अजान के बारे में आवाज़ ये करी ना, और हम सब मिल को ये सभी ख़त्म करेंगे, औरतें सभी बाहर निकल को आगे बढ़े तो ये सभी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हमें हमें कहते हो मुस्लिम लीग पार्टी के आगे बढ़ाना देख रहे हैं। दूसरे पार्टी से अच्छा हमारे वास्ते क्या करना होता है, मुस्लिम को मुस्लिम लीग का तो हर आत्मा भी है, खाली मुस्लिम उल्ली नहीं है पूरा है, सबको भी हमें आगे बढ़ाने का वास्ते कोशिश कर रहे हैं। सबको जोड़ में हमें बढ़ाने का कांग्रेस में हमारे में MP है MLA है पूरा है, इसे कर्नाटक में भी हमें चाहते हैं सब पूरे को जोड़ को मिल को लगाने का वास्ते एरिया बेस हमें सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट इसका ये भी बना है, अगर कुछ तकलीफ हो जाए लेडीज को हमें पार्टी में कर दो, हमारे से क्या करना होता है, हमारे से हमारे पार्टी से क्या करना होता है करना होते पूरा मैं करती हूँ, उनको पहले आगे बढ़ाती है मुस्लिम को मैं आगे बढ़ाती हूँ।